जिन गरीब कन्याओं की शादी में उनके अपने नातेदार रिश्तेदार भी आने से कतराते थे कि कहीं कोई कर्ज ना मांग ले, आज उसी शादी का निमंत्रण देने के लिए हमारे मंत्री निकलते हैं। कन्याओं की शादी का कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि कन्या तो सबकी है और इसीलिए कन्यादान सबसे पवित्र दान माना गया है। याद करिए 2017 के पहले इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, चाहे वह श्रम विभाग के माध्यम से हो, चाहे वह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो, ये नहीं हो पाते थे, क्योंकि शासन ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन अब जिसने गरीब की पीड़ा को देखा है, झेला है, नजदीक से महसूस किया है, वही उनके सुख दुख में सहभागी भी हो पाएगा। प्रदेश सरकार ने अब तक सामूहिक विवाह के जो कार्यक्रम किए हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से लगभग 2.25 लाख कन्याओं की शादी विवाह के कार्यक्रम अब तक संपन्न हुए हैं, और श्रम विभाग ने भी बड़े पैमाने पर कई स्थानों पर मुझे इन आयोजनों के साथ भागीदार होने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने लग करके श्रमिकों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। आज मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं गाजियाबाद के इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं, क्योंकि बहुत पुण्य का कार्य है। और इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक समाज की सहभागिता, पूरा समाज एकजुट होकर के इसमें सहभागी बनता है। जिन गरीब कन्याओं की शादी में उनके अपने नातेदार रिश्तेदार भी आने से कतराते थे कि कहीं कोई कर्ज ना मांग ले, आज उसी शादी का निमंत्रण देने के लिए हमारे मंत्री निकलते हैं, माननीय सांसद माननीय विधायकगण जाते हैं, निमंत्रण पत्र बांटने की व्यवस्था में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी गण जाते सहभागी बनते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गण सहभागी बनते हैं, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण सहभागी बनते हैं, और फिर सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से जब ये विवाह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो सचमुच इस बात का एहसास कराते हैं कि देश के अंदर स्वाधीनता का लाभ सही मायने में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। दूसरा, इसमें सबकी सामूहिक सहभागिता से सामाजिक समता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होता है, जो भारतीय भावना थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, उस गांव की बेटी को सभी लोग एक साथ कन्यादान के माध्यम से उसका सम्मान भी करते हैं और आने वाले अतिथियों का सत्कार भी करते हैं। आज का यह कार्यक्रम, सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम, इसमें एक साथ 2306 जोड़े वैवाहिक बंधन से जुड़ रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की कुछ कमियां थी, कुछ जगह बाल विवाह हो जाते थे, कुछ जगह कन्याओं की शादी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि दहेज लोभी अपनी डिमांड को बढ़ाते थे, लेकिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न कोई दहेज की डिमांड कर सकता है और न ही किसी भी प्रकार की अन्य लेन देन की कोई समस्या कहीं सामने आती है, यानी बाल विवाह भी नहीं हो सकता, साथ साथ दहेज की मांग भी कोई नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से हम सामाजिक कुरीति पर भी प्रहार कर रहे हैं, समाज की सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज यह एक अनुकरणीय उदाहरण फिर से गाजियाबाद में श्रम विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं श्रम विभाग को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिला प्रशासन, श्रम विभाग, सभी लोग मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सभी गाजियाबाद के माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से मैं अभिनंदन भी करता हूं। श्रम विभाग ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर
श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिक किस प्रकार से घूमते थे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय जहां पर श्रमिकों के बच्चों को अत्याधुनिक उत्तम शिक्षा का एक आवासीय केंद्र होगा, जहां पर पठन पाठन के साथ साथ तकनीक के साथ साथ उन बच्चों को स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के साथ भी आगे बढ़ाने का कार्य होगा। एक बड़ा अभियान जोड़ने का प्रयास, और इस अभियान के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 18 आवासीय विद्यालय जब बनेंगे तो श्रमिकों के बच्चों को तो यहां पे पढ़ाने की व्यवस्था रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ साथ कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को, लीगल गार्जियन को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों को भी वहां पे पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के स्तर पर खड़ा किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर सभी 18 कमिश्नरी में वर्तमान में 18 आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को उनके शादी ब्याह के साथ साथ उनके पढ़ाई के लिए अलग अलग स्तर पर इससे पहले एक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। आज श्रम विभाग तमाम बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं, कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा आईआईटी में भर्ती होकर के वहां पर पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के तकनीक की शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इन बच्चों ने प्रवेश लिया है, और इनके फीस की व्यवस्था भी श्रम विभाग करता है। अन्य स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। श्रमिकों के परिवार के बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और यही नहीं, राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि श्रमिक कोई भी हो, वह निवासी हो, प्रवासी हो, हर एक श्रमिक के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस श्रमिक को सरकार या श्रम विभाग, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होंगे श्रम विभाग के माध्यम से, और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था, 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था। केंद्र और प्रदेश सरकार तो दे ही रही है, श्रम विभाग भी अपने रजिस्टर्ड श्रमिकों की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।